is an emotion and design is a journey. And on Jewellery Gupshup with Manubhai Jewellers, we bring to you both with our lovely customers. So hello, welcome and namaste. Today we are here at this warm and lovely house of Mrs. Vandana to talk about jewellery and chat about designs. Namaste Vandana ji, thank you so much for inviting us here. Thank you so much for coming here. तो वंदना जी बताएं कि ये ज्वेलरी के साथ आपका जो प्यार भरा रिश्ता है ये कब शुरू हुआ? जब मेरी शादी हुई तो मुझे इतना कीन इंटरेस्ट नहीं था ज्वेलरी में, पर जब व्हेन माय हस्बैंड गिफ्टेड अ गोल्ड रिंग ऑन माय फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी, तब जाके मुझे ज्वेलरी की एग्जैक्ट वैल्यू मालूम हुई. सो स्वीट. जब मेरी डॉटर हुई तब जाके मुझे एक्चुअली ऐसा लगा कि थोड़ा थोड़ा मुझे हमेशा कलेक्ट करना चाहिए, राइट? सेकेंड थिंग, जब मैं when I was working एज अ कोरियोग्राफर, तो एक्चुअली घर में ना मेरा पैसा कोई यूज़ नहीं करता था, एंड माई हस्बैंड वॉज टेलिंग मी अगर तुझे जो भी करना है तेरे पैसे से तू कर सकती है, एंड आई थॉट गोल्ड इज़ अ बेटर ऑप्शन टू इन्वेस्ट विथ. तब जाके मैंने थोड़ा थोड़ा एवरी मंथ जैसे ही पैसे कलेक्ट होते थे आई वॉज गोइंग टू द शॉप एंड बाइंग स्मॉल स्मॉल ज्वेलरीज फॉर माई सेल्फ. Then I thought कि अभी थोड़ा मुझे ज़्यादा लेना चाहिए. And फिर जाके मैंने my first set I got from Manubhai. Wow. For I thought मैं मेरी daughter की जब engagement होगी तब जाके वो पहनूंगी. तो मैंने वो उसी के बारे में सोच के I went to Manubhai for buying a first big jewelry for me myself. Wow, that's lovely. I mean, future का सोच के आपने खुद के लिए एक अच्छी ज्वेलरी खरीदी. वंदना जी, I see you're wearing a very pretty diamond मंगलसूत्र. तो आपको diamond ज़्यादा पसंद है या gold? Actually, मुझे दोनों बहुत ज़्यादा पसंद है. पहले मैं सिर्फ और सिर्फ gold पसंद करती थी, but nowadays actually I'm a big fan of diamond. Wow, so you're a decent diamond fan. Yeah. Actually, this mangalsutra is gifted from my husband and my daughter my 25th wedding anniversary. Again, this is a very big memory with this. Right, that's yeah. So romantic. That is why actually I like it and I wear it regularly on each and every day. So tell me, but I see you have a lot of gold jewelry also. So what is your preference that goes more towards? See, I feel that diamond is a sign of prosperity, but gold is a very good option for investing and look, you know, more gorgeous. Gold ki jo designs hai, jo my mother-in-law has gifted me the kada, wo jab young thi tab pehnti thi. और आज भी वो कड़ा उसने मुझे गिफ्ट किया हुआ है, एंड आई लाइक दैट कड़ा सो मच. मतलब इतना बहुत ही प्यारा है, ट्रेडिशनल है. वो गोल्ड की ट्रेंड जाती नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है. अगर आपने 50 इयर्स पहले अगर कोई गोल्ड की आइटम ली हुई है तो आज भी पहनोगे तो यू विल नॉट फील कि आप कोई ओल्ड आइटम पहन रहे हो. इट्स लाइक एंटीक थिंग्स. तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है गोल्ड के बारे में. राइट, सो गोल्ड इज एवरग्रीन. हां, या एग्जैक्टली. So Vandana ji, which is the first set that you'd like to show us from your collection? Okay. See, this is my first set. हमारे family में उसको bell वाला set कहके बुलाते हैं. You have a pet name to it. Pet name, yes, exactly. See, it's a very beautiful design and the kada. बहुत ही beautiful stone setting है, which is looking very classy. मैंने ये set कम से कम 10 years पहले purchase किया था Manubhai Jewellers से. एंड मैंने ऐसा सोचा था जब मेरी डॉटर की एंगेजमेंट होगी तब जाके मैं ये सेट पहनूंगी. ओके. एंड देन द टाइम वेंट देन फाइनली द डे केम. तो मेरी डॉटर को ये सेट इतना ज़्यादा पसंद था तो एक्चुअली शी वोन इट ऑन हर एंगेजमेंट. वाओ, दैट्स व्हाट. एक्चुअली फिर मुझे कुछ और अरेंज करना पड़ा एंड देन आई वोन समथिंग एल्स एंड दिस वॉज वोन बाय माई डॉटर ऑन हर ओन एंगेजमेंट. या सो वंदना जी, आई सी के बहुत ही प्यारा सा एक फ्लोरल सेट भी है आपके पास, इसकी क्या स्टोरी है? एक्चुअली इसको हमने हमारा फैमिली नेम दिया हुआ है रोज वाला सेट. ये एक्चुअली मेरी डॉटर की जब वेडिंग थी तो हम लोग सेट लेने के लिए गए थे एंड सिर्फ हम लोग देखने के लिए ही गए थे. वी वेयर नॉट प्लानिंग कि अभी लेना है एक्चुअली, एंड दैट टाइम वी लाइक 3-4 आइटम्स टू मच. तो ये एक्चुअली अगेन द सेम थिंग, मैंने मेरे लिए लेना था पर मेरी डॉटर को इतना ज़्यादा पसंद था. वो अगेन एंड अगेन वही बोल रही थी कि बहुत अच्छा सेट है, बहुत अच्छा सेट है.
तो मैंने सोचा क्यों ना मैं, मुझे वैसे भी मेरी डॉटर को कुछ तो देना है शादी में, तो क्यों ना हम ये सेट दे दें उनको, उनको इतना ज़्यादा पसंद था. तो एट दैट टाइम द कड़ा एंड रिंग वॉज नॉट देयर इन द सेट. या तो हमारे ट्रेडिशन में ऐसा होता है कि डॉटर को एक फुल सेट देते हैं नॉर्मली. तो नेकलेस एंड ईयरिंग्स तो थे ही उसमें, तो हमने सोचा अगर कड़ा और ब्रेसलेट नहीं है तो इट विल नॉट वर्क आउट. फिर हमने भावेश भाई से बात की, तो उन्होंने बोला कि आप एक बार ईयरिंग्स और नेकलेस अगर चूज कर लेते हो तो वी विल मेक कड़ा एंड रिंग ऑन ऑर्डर. और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि ये अलग अलग बनाया हुआ है, जस्ट सी द डिजाइन. उन्होंने अपने खुद के वेडिंग में ये पहना था. वाओ, तो मतलब आपकी चॉइस कुछ ज्यादा ही अच्छी है, सारे सेट्स आपकी डॉटर ले लेती है. नहीं, माय डॉटर आल्सो हेल्प्स मी अ लॉट एंड सेकंड थिंग मनुभाई स्टाफ आल्सो हेल्प्स अ लॉट कि आपको ये क्या मतलब अगर ये लेते हो तो कितना आपको ज्यादा बेनिफिट हो सकता है. कस्टमाइज्ड सेट के साथ साथ योर बजट वाज आल्सो कस्टमाइज्ड अकॉर्डिंगली. तो ये तो आपकी डॉटर ने पहना अपनी शादी में, तो उनकी शादी में आपने क्या पहना था? तो व्हाट आई वांटेड टू वेयर वाज टेंपल ज्वेलरी. इट वाज माय ड्रीम कि मुझे मेरी डॉटर के मैरिज में टेंपल ज्वेलरी ही पहननी है. देन आई वेंट टू सो मेनी प्लेसेस, बहुत सारी जगह पे मुझे पसंद भी आई डिज़ाइन, पर मेरे बजट में नहीं बैठ रहा था. एक्चुअली आई वांटेड अ बिग डिज़ाइन विथ माय बजट. तो मैं मनु भाई ज्वेलर में गई एंड देन आई टुक दैट टेंपल ज्वेलरी फॉर मी. वाओ, दैट्स वेरी प्रिटी. या इट्स अ पेंडेंट सेट. एक्चुअली इनके साथ जो इयररिंग्स आए थे ना वो थोड़े छोटे थे एंड आई वांटेड अ बिग लुक, तो मैंने ये अलग से झुमके वहाँ से लिए थे. एंड दिस इज अ झुमका, प्रॉपर साउथ इंडियन लुक. एंड आई वांटेड समथिंग विद द टेंपल ज्वेलरी विच इज लाइक चोकर. तो मैंने एक चोकर और एक टेंपल ज्वेलरी दोनों मुझे पहननी थी. तो दिस इज माय चोकर सेट. ठीक है, अभी ये जब व्हेन आई वोर इट इन द वेडिंग, तो मैंने ये चोकर सेट, ये टेंपल ज्वेलरी और उसके साथ में झुमके पहने थे. तो ये जो चीज़ है इनकी इयररिंग्स वो रह गई थी, वो मैंने मेरी डॉटर की गृह शांति में सिर्फ मेरे हैवी लुक के साथ ओनली इयररिंग्स आई वोन एंड इट वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल. I see there is a great mix of gold jewelry collection with you, Vandana. Yes, one more thing I wanted to show you. Actually, this is the set. ये मुझे reception में कुछ ऐसा पहनना था जो मेरे silver outfit के साथ जाए. And I wanted something in diamond. जब मैं मनु भाई गई तो मुझे उन्होंने बोला कि I have one design like diamond. तो मुझे उन्होंने ये set दिखाया. And I thought this is the perfect match for my outfit. Right. And मैंने जब ये पहना तो everybody was asking me like it's a diamond. I said no, it's a gold looking like diamond and it was perfectly fit with my outfit. Right, and this is a rhodium finish set. Yeah, exactly. And it was looking like diamond only. आपकी इतनी अच्छी ज्वेलरी कलेक्शन के बाद मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि हमने अभी अभी एक रोज गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन लॉन्च किया है. Wow. आपको जरूर आके देखना चाहिए. श्योर श्योर, ऑफ कोर्स. एंड नाउ दैट यू आर अ रीसेंट डायमंड फैन, हमारा एक एवरीडे डायमंड कलेक्शन भी आया है, व्हिच आई थिंक यू विल लव इट. Oh, sure, sure. I'll definitely visit the Manubhai Jewellers. We hope you loved this gold jewelry mix as much as we did. Stay tuned to Jewelry Gupshup for more jewelry stories with people who absolutely love jewelry.